हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर हमने चेक बाउंस करवा लिया और टाइम रहते अगर हम 138 की कार्रवाई नहीं कर पाए तो उसके बाद हम क्या करें जिससे हमारा पैसा वापस मिल सके। तो आपके सामने मैं यही जानकारी लेकर आज मैं हाजिर हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल भारद्वाज लो टिप्स एंड गाइड में। धन्यवाद। अब दोस्तों, अगर हमने किसी के पैसे दिए और उसके बदले में हम चेक लेते हैं तो अगर वो हमें पैसे नहीं देता है तो हम हमारे अकाउंट में उस चेक को लगा लेते हैं और फिर बाउंस करवा लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी वकील के माध्यम से उसके पास एक लीगल नोटिस भिजवाते हैं जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि भैया अगर या तो हमारे पैसे देते या फिर हम आप पर NIA 138 के तहत आप पर कार्रवाई करेंगे कोर्ट में। तो उसमें उसको कुछ टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम होता है उसके पास उसका रिप्लाई देने का। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा समझदार बनते हैं और आके बोलते हैं प्लीज़ भाई कार्रवाई मत कर, हम पैसे दे देंगे। लेकिन उनका असली मकसद ये नहीं होता कि वो हमें पैसे दे दें। काफ़ी लोगों का मकसद ये होता है कि इसमें जो 138 की हम कार्रवाई करते हैं इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। उनका मतलब होता है कि हम इस टाइम को निकाल दें जिससे कि हम उस पर कार्रवाई ना कर सकें 138 की कोर्ट में। अब आप मान के चलो कि उसने टाइम निकाल दिया तो अब हम क्या करें जिससे कि हमारा पैसा हमें वापस मिल सके। अब हमारे पास एक रेमेडी होती है कि हम उस पर रिकवरी के लिए सिविल सूट कर लें सिविल कोर्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर हम सपोज करो कि 5 लाख रुपए का चेक है हमारा, तो उसके ऊपर हमें 2.5 उस पैसे की 2.5 कोर्ट फीस देनी होती है रिकवरी सूट के अंदर। उसके बाद ही हम सिविल केस डाल लेंगे वरना नहीं डाल सकते। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने पैसा दिया है उसका साबित भी हमें ही करना होता है, भाई किसके सामने दिए हैं कब दिए हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, भाई पैसा भी हमारा और इसमें साबित भी हमें ही करना पड़ता है भाई पैसा हमने कब दिया कैसे दिया। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई बात होती है 138 का अगर हम चेक वगैरह बाउंस हो जाता है जिसमें हमें कार्रवाई करनी चाहिए 138 में, अगर हम सिविल केसेज में जाते हैं उसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसमें साबित भी हमें ही करना पड़ता है भाई पैसे हमने दिए या नहीं दिए। तो दोस्तों अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।